मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक बहुत बड़े कार रेसिंग ग्राउंड को देखते हैं, जहां आज मोटर स्पीडवे ऑफ द साउथ की लास्ट रेस होती है, जहां जीतने वाले को पिस्टन कप मिलने वाला था। और वहां पे सारे कार्स रेस जीतने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थे। जिसके बाद हम लाइटिंग मैकवीन को देखते हैं, जो इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है। और मैकवीन एक सुपर कार था, जिसके बाद जैसे ही रेस स्टार्ट होती है तो मैकवीन बड़े ही आसानी से सारे कार्स को पीछे कर देता है। लेकिन अभी भी मैकवीन के आगे द किंग नाम का एक कार था, जिसकी ये लास्ट रेस थी। तभी वहाँ पे चिकहिक नाम का भी एक कार पहुँच जाता है, जो द किंग से बहुत ज्यादा चिढ़ता था और वो इस रेस में द किंग को हराना चाहता था। जिसके बाद मैकवीन चिकहिक को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे टक्कर मार देता है, जिस वजह से मैकवीन रोड से बाहर हो जाता है। और चिकहिक अपने अगल बगल वाली कार के साथ भी चीटिंग करता है, जिसके बाद मैकवीन एक बार फिर से फुल स्पीड में आने के बाद सारे कार्स को पीछे छोड़ देता है और वो अपनी गाड़ी का टायर भी चेंज नहीं करवाता। जिसके बाद वो सबसे आगे उस रेस को जीतने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से उसकी गाड़ी का टायर फट जाता है। लेकिन उसके बाद भी मैकवीन हार ना मानते हुए जीतने की कोशिश करता है, पर उतने में ही वहाँ पे चिक और द किंग पहुँच जाते हैं, जिस वजह से वो मैच वहीं पे ड्रॉ हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी मैकवीन को यही लग रहा था कि वो इस रेस को जीत चुका है, तब उसे पता चलता है कि ये मैच कम्प्लीटली टाई हो चुका है, जिसे सुनने के बाद मैकवीन का मूड काफी ज्यादा ऑफ हो जाता है। जिसके बाद कंपनी अनाउंसमेंट करती है कि एक वीक के बाद इन तीनों कार के बीच में कैलिफोर्निया के अंदर फिर से रेस होगी, जिस पर चिक मैकवीन को चिढ़ाते हुए बोलता है कि मैं तुमसे पहले कैलिफोर्निया पहुंच के वहाँ के सारे स्पॉन्सर्ड ले लूंगा। जिसे सुनने के बाद मैकवीन अपने ट्रक के पास जाता है और वो उसे बोलता है कि हमें अभी कैलिफोर्निया के लिए निकल जाना चाहिए, जिस पर मैकवीन को स्पॉन्सर के बारे में बताता है। लेकिन मैकवीन स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैक उसे बताता है कि ये डील पहले से ही फाइनल हो चुकी है, जिस वजह से उसे वो ऐड करना पड़ता है। और इसके बाद ये दोनों कैलिफोर्निया के लिए निकल जाते हैं, लेकिन पूरे दिन ड्राइव करने की वजह से मैक काफी ज्यादा थक जाता है और उसे नींद आने लगती है। लेकिन मैकवीन उससे कहता है कि तुम्हें पूरी रात ड्राइव करना होगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले कैलिफोर्निया पहुंचना है और वहां पहुंचने के बाद मुझे डायनमो से डील करनी है। जिसके बाद मैकवीन सो जाता है और ना चाहते हुए भी मैक को नींद आ रही थी। तब मैक के बगल से एक डिस्को कार गुजरती है, जिसके अंदर म्यूजिक चल रहा था और उसके म्यूजिक सुनने की वजह से मैक को डीप स्लीप आ जाती है, जिस वजह से मैक के पीछे का गेट खुल जाता है और मैकवीन नीचे आ जाता है। लेकिन अभी भी इसके बारे में इन दोनों में से किसी को कुछ भी पता नहीं चला था। जिसके बाद एक ट्रक मैकवीन के सामने आ जाता है और जैसे ही मैकवीन की आंख खुलती है तो मैकवीन उस ट्रक के नीचे आने से बच जाता है। जिसके बाद मैकवीन मैक को ढूंढने लगता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसे नहीं ढूंढ पाता। जिसके बाद उसे लगता है कि शायद वो हाईवे पर होगा, जिस वजह से वो फुल स्पीड में हाईवे की तरफ जाने लगता है। लेकिन उसकी हाई स्पीड होने की वजह से एक पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम शेरिफ था, वो मैकवीन के पीछे पड़ जाता है। तब मैकवीन को लगता है कि शायद वो इस ऑफिसर से हेल्प ले सकता है, लेकिन तभी उस शेरिफ के गाड़ी के साइलेंसर में से आवाज आने लगती है, जिससे मैकवीन को लगता है कि वो शेरिफ मुझ पे फायरिंग कर रहा है। इसलिए मैकवीन और भी तेजी से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ज्यादा स्पीड में होने के चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके टायर में कटीली वायर फंस जाती है। लेकिन उसके बाद भी मैकवीन वहाँ से भागने की उम्मीद नहीं छोड़ता और जबरदस्ती के चक्कर में वो वहाँ का पूरा रोड खराब कर देता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। दूसरी तरफ हम मैक को भी देख पाते हैं, जो कि कैलिफोर्निया पहुंच चुका था, पर वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि मैकवीन वहां पे खो चुका है और उसकी खबर न्यूज पे तेजी से फैल जाती है। दूसरी तरफ हम मैकवीन को भी देख पाते हैं, जो एक जेल के अंदर बंद था, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने मेटर नाम के एक ट्रक को देखता है। तब मैकवीन उससे पूछता है कि मैं इस समय कहाँ पे हूँ। तब मेटर उसे बताता है कि तुम रेडिएटर स्प्रिंग्स में हो, जिसपे मैकवीन उसे कहता है कि मेरा जल्द से जल्द कैलिफोर्निया पहुँचना बहुत जरूरी है। लेकिन तभी वहाँ पे शेरिफ आ जाता है और उसे कोर्ट में ले जाया जाता है, और वहाँ के रहने वाले कार्स और ट्रक मैकवीन पे बहुत ज्यादा गुस्सा थे। जिसके बाद शेरिफ मैकवीन से पूछता है कि तुम्हारा वकील कौन है, लेकिन मैकवीन के पास कोई वकील नहीं था, जिस वजह से मीटर उसका वकील बन जाता है। तब वहाँ पे वहाँ के जज डॉग हडसन आते हैं और वो जब देखते हैं कि मैकवीन एक रेसिंग कार है, तो वो उसे माफ करके उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जिसे सुनने के बाद मैकवीन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे सैली आ जाती है, जो खुद भी एक वकील थी, और वो डॉग से कहती है कि आप किसी गैर मुजरिम को इस तरीके से माफ नहीं कर सकते, कम से कम जिसने उस रोड को खराब किया है उसे उस रोड को बनाने की सजा भी मिलनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद वहाँ के सारे कार्स और ट्रक सैली की साइड हो जाते हैं और डॉग्स को अपना फैसला बदलना पड़ता है। जिसके बाद मैकवीन को रोड बनाने वाली वैसे ही नाम की मशीन को दिखाया जाता है, लेकिन रोड की हालत देखने के बाद मैकवीन डॉग से पूछता है कि मुझे इसे बनाने में कितना समय लगेगा, जिसपे डॉग उसे कहता है कि अगर तुमने बहुत अच्छी तरीके से इस रोड को बनाया है तो तुम्हें कम से कम 5 दिन लगेंगे, जिस पर मैकवीन उससे कहता है कि मुझे इस समय पे कैलिफोर्निया में होना चाहिए, लेकिन डॉग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। उसके
उसके बाद जैसे ही मेटर उसका लॉक खोलता है तो मैकविन वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से फुल स्पीड में भागने में मैकविन को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही मैकविन का पेट्रोल खत्म हो जाता है क्योंकि जिस समय मैकविन बेहोश था सेरिफ ने उसका पेट्रोल निकाल लिया था ताकि वो यहाँ से भाग ना सके, जिसके बाद मैकविन को वापस लाके वैसे ही से जोड़ दिया जाता है। जिसके बाद वहाँ पे दो कस्टमर आने लगते हैं और सब लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सब उनका वेलकम करते हुए अपनी अपनी सर्विसेज बताते हैं। लेकिन वो दोनों कस्टमर वहाँ कोई सामान लेने नहीं आए थे बल्कि वो हाईवे का रास्ता भटक गए थे, जिसके बाद मैकविन उनसे बात करके उनसे हेल्प मांगता है और वो उन्हें बताता है कि मैं फेमस रेसिंग कार हूँ। लेकिन मैकविन की ऐसी हालत देखने के बाद उन्हें भी मैकविन पे भरोसा नहीं होता और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब मैकविन को रेडियो पे एक न्यूज सुनाई देती है कि मैकविन मिसिंग है और कैलिफोर्निया में सबसे पहले चीखिक पहुंच चुका है, जिसे सुनने के बाद मैकविन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ओवर थिंकिंग की वजह से उसे काफी ज्यादा जेलिस होने लगती है। तब वो मेटर से पूछता है कि अगर मैंने इस रोड को कंप्लीट कर लिया तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ, जिसपे मेटर उसे कहता है कि जज ने तो यही कहा था। जिसके बाद मैकविन जैसे तैसे करके उस रोड को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेता है। लेकिन जब बाकी कार्स उस रोड को चेक करने के लिए आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैकविन ने इस रोड की जान ले ली है, जिसे देखने के बाद सैली मैकविन से पूछती है कि तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो, जिस पर मैकविन सैली से कहता है कि डॉक ने मुझे बोला था कि तुम्हें बस अपना काम कंप्लीट करना है। पर तभी वहाँ पे डॉक भी आ जाता है और वो मैकविन से कहता है कि मैंने तुम्हें रोड ठीक करने के लिए बोला था, बेकार नहीं, और वो उसे बोलता है कि तुम्हें ये रोड खोद के दोबारा से बनाना होगा, जिसे सुन के मैकविन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डॉक से कहता है कि मैं एक रेसिंग कार हूँ, कोई बुलडोजर नहीं, जिसे सुन के डॉक मैकविन को एक मिनी रेस के लिए चैलेंज करता है और वो मैकविन से कहता है कि अगर तुम रेस को जीते तो इस रोड को मैं बनाऊंगा और अगर मैं इस रेस को जीता तो इस रोड को तुम्हें फिर से दोबारा बनाना होगा। मैकविन भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद ये सब लोग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहां रेस स्टार्ट हो जाती है और मैकविन फुल स्पीड में वहां से जाने लगता है। लेकिन डॉग का भी इंजन स्टार्ट भी नहीं होता, तब वो मैटर को लेकर अपने साथ वहां पे जाने लगता है। तब हम मैकविन को देखते हैं जो फुल स्पीड में टर्न लेने के चक्कर में गड्ढे में गिर जाता है और वो उस रेस में वहां पे फेल हो जाता है। तब वहां डॉग पहुंच के मैकविन से कहता है कि तुम रोड रिपेयर करो या रेसिंग, तुम दोनों में बकवास हो, और ये कह के वो वहां से चला जाता है। तब मैटर उसे उस गड्ढे में से बाहर निकालता है और वो उससे कहता है कि साइड डॉग को तुम्हारे बारे में पहले से ही पता था कि तुम यहां पे गिरने वाले हो, जिसके बाद मैकविन खुद को कोसने लगता है और वो कहता है कि मैं खुद को रेस कार समझता हूं लेकिन मैं एक छोटा सा टर्न भी नहीं ले पाया, जिसके बाद वो रात में ही आधी सड़क बना देता है। और अगली सुबह जब सब लोगों की नींद वहां पे खुलती है तो रोड देखने के बाद वो लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन मैकविन वहां से गायब था क्योंकि वो फील्ड में जाके टर्न मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाता। तब वहाँ पे डॉक भी मैकविन के पास पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि ये सड़क मिट्टी और धूल से बनी है ना कि सीमेंट से, और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारे थ्री व्हील्स के ब्रेक नहीं लग रहे तो तुम ब्रेक को कस के दबाओ और अगर तुम्हें राइट जाना है तो तुम्हें लेफ्ट मुड़ना चाहिए। लेकिन मैकविन को डॉक की बात बकवास लगती है और वो दोबारा से प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन तभी एक बार फिर से उसे डॉक की बात याद आती है और वो उसी तरीके से उसके रूल को फॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी वो टर्न नहीं ले पाता और वो फिर से नीचे गिर जाता है। और उसके बाद मैकविन फिर से दोबारा रोड बनाने के काम में लग जाता है। तब मैकविन के पास सैली भी पहुंच जाती है और वो उसे साफ करवा के अपने होटल में रहने के लिए ऑफर करती है, लेकिन मैकविन को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। तब वहाँ पे मैटर भी आ जाता है और वो मैकविन से बोलता है कि आज सैरिफ ने मुझे तुम्हारी रखवाली करने के लिए बोला है और आज रात हम दोनों मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे। लेकिन मैकविन उसे कहता है कि मुझे जल्दी से इस रोड को कंप्लीट करके कैलिफोर्निया पहुंचना है। तब मैटर मैकविन से कहता है कि शायद मस्ती मजाक करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, जिस पे मैकविन को भी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों मिलके पूरी रात खूब ज्यादा मस्ती करते हैं। तब मैटर मैकविन को अपना एक टैलेंट दिखाता है और वो रिवर्स में फुल स्पीड में गाड़ी चलाने के बाद मैकविन को हैरान कर देता है। तब मैकविन उसे पूछता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, जिस पे मैटर उसे बताता है कि एक्सपीरियंस से और साइड मिरर की मदद से, और वो उसे बोलता है कि अगर तुम ये चाहो तो मैं तुम्हें भी ये सिखा सकता हूँ, जिस पर मैकविन बोलता है कि हाँ ये मेरे रेस में काम आएगा, जिस पर मैटर उसे कहता है कि तुम जब देखो उस रेस की बात करते रहते हो, आखिर उस रेस में ऐसा रखा ही क्या है, जिस पर मैकविन उसे बताता है कि वो बस एक रेस नहीं है और पिस्टन कप मेरा एक सपना है, जिस पर मैटर भी उसे एक बात बताता है कि मेरा भी एक सपना है कि मैं भी किसी दिन एक हेलीकॉप्टर में बैठूंगा। तब वो मैकविन से कहता है कि क्या तुम मेरा सपना पूरा करोगे, जिस पर मैकविन उसे कहता है कि हाँ जरूर, जिसे सुनने के बाद मैटर इमोशनल होकर उससे बोलता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। उसके बाद मैकविन सैली के होटल में जाता है जहाँ सैली उसका इंतजार कर रही थी और सैली मैकविन से कहती है कि मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुनी, मैटर तुम पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है और जब से तुम यहाँ पे आए हो
तो वो बहुत ज्यादा खुश भी रहने लगा है। और मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम उसका भरोसा कभी मत तोड़ना। जिसके बाद मैकविन सैली को गुड नाइट बोलता है और वो वहाँ पे सो जाता है। लेकिन सोने के बाद भी मैकविन को एक बहुत बुरा सपना आता है जिससे मैकविन काफी ज्यादा डर जाता है। तब सुबह होते के साथ ही मैकविन शेरिफ को ढूंढने लगता है, लेकिन शेरिफ डॉग के यहाँ अपना इलाज करवा रहे थे। तब मैकविन उनके पास पहुँच के उन पे डेली कोटा का पेट्रोल मांगता है, जिस पे डॉग उससे कहता है कि तुम अभी शेरिफ का इंतजार करो। जिसके बाद बाहर आने पे मैकविन एक खाली कैन पे लात मार देता है और वो कैन सीधा डॉग्स के गैराज में चली जाती है। तब उसे वहाँ पे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है और जब मैकविन वहाँ पे चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ जाने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डॉग के 3 पिस्टन कप कबाड़े में पड़े हुए थे। क्योंकि डॉग एक फेमस रेसिंग कार चैंपियन हर्सन होनेट थे जिन्होंने एक ही साल में 3 कप जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन तभी वहाँ पे डॉग भी आ जाता है और वो मैकविन से कहता है कि मैंने तुम्हें पेट्रोल पंप पे इंतजार करने के लिए कहा था। तब मैकविन उनसे कहता है कि आप तो फेमस रेस कार हर्सन होनेट हैं और आपको पहचानने में मुझसे भूल कैसे हो गई, और अब आपको मुझे रेस के बारे में सिखाना ही होगा। जिस पर डॉग उससे कहता है कि वो तीनों मेरे लिए खाली कप से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद मैकविन भागते हुए पेट्रोल पंप पे सबको जाके ये बात बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता और ये बात सुनने के बाद सब उस पे हंसने लगते हैं। तब वहाँ पे सैली आती है और वो उसे अपने साथ ड्राइव पे ले जाने के लिए मैकविन के पेट्रोल को फुल कर देती है, जिस पर शेरिफ उससे बोलते हैं कि ये यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन इस बात पे सैली उनसे कहती है कि मुझे मैकविन पे पूरा भरोसा है। जिसके बाद ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हुए खूब मस्ती करते हैं। जिसके बाद ये दोनों मिलके एक विलवेल नाम की जगह पे पहुंच जाते हैं। तब सैली मैकविन से कहती है कि एक समय में ये जगह बहुत ज्यादा फेमस थी। जिस पर मैकविन सैली से पूछता है कि तुम जैसी कार आखिर इस जगह पे क्या कर रही है। तब सैली उसे बताती है कि एक समय पे मैं लॉयर थी और मैं टॉप गियर में थी, जिसके बाद मैंने कैलिफोर्निया छोड़ दिया और मैं सीधा चलती रही, और यहाँ आने के बाद मेरा एक्सल टूट गया और डॉक ने मुझे यहाँ पे ठीक किया और यहाँ के प्यारे प्यारे लोगों ने मुझे यहाँ पे सहारा दिया, जिसके बाद मुझे भी इस जगह से प्यार हो गया और मैं इस जगह पे रह गई। क्योंकि ये जगह पहले ऐसी नहीं थी जैसी अभी दिखती है। पहले इन सड़कों पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती थी, लेकिन सरकार ने अपना फायदा देखने के लिए दूसरी तरफ से बाईपास बना दिया और अब इस जगह पे कोई भी नहीं आता, जिस वजह से ये जगह बेजान हो चुकी है। जिसके बाद मैकविन सैली को राइड के लिए थैंक यू बोलता है और उसके बाद वो प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि डॉक एक बार फिर से अपने पुराने रेसिंग टायर लगा के राइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद वो उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके फुल स्पीड में टर्न भी ले लेता है, जिसे देखने के बाद मैकविन हैरान हो जाता है और वो डॉक का पीछा करते करते उसके गैरेज में आ जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद मैकविन डॉक से रेस छोड़ के यहाँ आने की वजह पूछता है, जिसपे डॉक उसे बताता है कि मैंने रेसिंग नहीं छोड़ी। 1954 की बात है जब मेरा एक बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद जब मैं रिपेयर होकर अपने रेसिंग के लिए गया तो वहाँ पे मेरी जगह कोई और आ चुका था और वहाँ की कंपनी वालों ने इसे बोला कि तुम एक हिस्ट्री हो, और ये बोलने के बाद उन लोगों ने इसे वहाँ से निकाल दिया। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे अपनी पुरानी सारी बातें याद आने लगी। और ये सब बताने के बाद डॉक मैकविन को वापस जाने के लिए कहता है। अगली सुबह जब सब लोग उठते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ का रोड पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन वहाँ पे कहीं भी मैकविन नहीं था, जिससे सबको लगता है कि मैकविन यहाँ से जा चुका है और सारे लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद मैकविन भी वहाँ आ जाता है और वो सब लोगों से घुलने मिलने के लिए सबकी हेल्प लेता है, जिससे वहाँ पे सारे कार्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो मैकविन को एक नया लुक दे देते हैं। तब वहाँ पे मैकविन सैली को खुश करने के लिए वहाँ की सारी लाइटें रिपेयर कर देता है, जिसे देखने के बाद सब लोग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सब लोग आपस में मस्ती करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से बहुत सारे लोग आने लगते हैं, जिससे इन्हें लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन वो सारे मीडिया वाले थे जिन्हें मैकविन के यहाँ होने की खबर मिल गई थी। तब वहाँ पे मैक भी पहुँच जाता है और मैकविन उससे दोबारा मिलके बहुत ज्यादा खुश होता है। तब मैक मैकविन को हर्ब से बात करवाता है और हर्ब मैकविन से कहता है कि तुम चारों तरफ छा चुके हो, और वो उसे वापस आने के लिए कहता है, लेकिन मैकविन वहाँ से नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि चिक को सिलेक्ट कर लिया गया है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो सैली के पास जाके उससे बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, और लाइट के लिए सैली भी उसे थैंक्स बोलती है। जिसके बाद मैकविन मैक के साथ वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर में हम वहाँ पे मीडिया वाले को देख पाते हैं जो डॉक के पास जाके उसे थैंक्स कहते हैं, क्योंकि डॉक ने ही मीडिया को मैकविन के यहाँ होने की खबर दी थी, जिसे देखने के बाद सैली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो मैकविन को यहाँ से जाने देना नहीं चाहती थी। उसके बाद हम अगली सुबह कैलिफोर्निया के बड़े से स्पीडवे को देखते हैं और ये रेस इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वहाँ पे गवर्नमेंट छुट्टी अनाउंस किया गया था, क्योंकि यहाँ पे 3 कारों के बीच में रेस टाई हुआ था। दूसरी तरफ हम मैकविन को भी देख पाते हैं जो अपनी रेस पे फोकस नहीं कर पा रहा था और उसे बार बार सैली
की याद आ रही थी। जिसके बाद रेस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मैकविन अभी भी उस पर फोकस नहीं कर पाता। लेकिन तभी रेस के बीच में मैकविन देखता है कि उसके सारे दोस्त भी उसके इस रेस में शामिल हैं, और वो सामने डॉग को भी देख पाता है, जिससे वो काफी ज्यादा मोटिवेट और काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद डॉग भी मैकविन का हौसला बढ़ाता है और मैकविन काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। जिसके बाद मैकविन फुल स्पीड में आगे जाता है, लेकिन वो अभी भी किंग और चिक से पीछे था। और इधर ऑडियंस कैमरे में हर्सन हार्डनेट को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद मैकविन किसी तरीके से चिक के पास पहुंच जाता है, लेकिन चिक एक बार फिर से अपनी चालाकी दिखाते हुए उसे टक्कर मार देता है। जिसे देखने के बाद मैकविन मैटर की स्ट्रेटेजी अपनाता है और वो उल्टी ड्राइविंग करने लगता है। ये देखने के बाद वहाँ की पब्लिक भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मैकविन चिक से आगे निकल जाता है। जिसके बाद चिक एक बार फिर से मैकविन के टायर को पंचर कर देता है। तब डॉक मैकविन से कहते हैं कि उसे येलो फ्लैग दिखाया जा रहा है और तुम अपनी गाड़ी का टायर जल्दी से चेंज करवा लो। जिसके बाद मैकविन फिर से अपने टायर चेंज करवा के फुल स्पीड में आगे निकल जाता है। पर यहाँ पे चिक एक बार फिर से मैकविन को धक्का मार देता है और मैकविन डॉग की सिखाई हुई स्ट्रेटेजी को अपना के फील्ड से वापस रोड पे आ जाता है। तब वहाँ पे मैकविन आगे निकल जाता है और किंग को पीछे लाने के लिए चिक उसे भी टक्कर मार देता है, जिस वजह से उसका बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तब वहाँ पे मैकविन जीतने ही वाला था, लेकिन वो जीती हुई रेस को छोड़ के द किंग को उठाने के लिए जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे द किंग के अंदर डॉग्स नजर आ रहा था। क्योंकि 1954 के बीच में डॉग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उसके एक्सीडेंट के बाद ही उसे रेस से बाहर निकाल दिया गया था, और वो उसकी लास्ट रेस थी, इसलिए मैकविन उसे उठा के अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन चिक इधर पहले से ही क्रॉस लाइन को पार कर चुका था। तब मैकविन अपनी जीत की परवाह ना करते हुए किंग को बोलता है कि ये आपकी आखिरी रेस है और ये आपको जीतना ही चाहिए। लेकिन जब मैकविन उन्हें अपने साथ लेके जा रहा था, तो द किंग उससे कहते हैं कि तुमने अपना पिस्टन कप गवा दिया और मेरी खातिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पे मैकविन उनसे कहता है कि एक पुरानी कार ने मुझे कहा था कि वो सब एक खाली कप है। जिसके बाद मैकविन द किंग को उस लाइन को पार करवा देता है, जिसे देखने के बाद ऑडियंस काफी ज्यादा खुश होती है और वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है। और ऐसे सिचुएशन देखने के बाद सब लोग चिक पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सब लोग उसे हेट करने लगते हैं। जिसके बाद पूरा ग्राउंड मैकविन के सपोर्ट में आने के बाद कहते हैं कि मैकविन ही विनर है। तब वहाँ पे मैकविन के पास डायनोमो भी आते हैं और वो उसे मॉडिफिकेशन के लिए ऑफर देते हैं, जिस पे मैकविन उसे मना कर देता है और वो उससे कहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ ही खुश हूँ। तब डायनोमो उनसे कहता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बताना। जिस पर मैकविन उन्हें मैटर को एक हेलीकॉप्टर राइड करवाने के लिए बोलता है, और हेलीकॉप्टर राइड करने के बाद मैटर का सपना पूरा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है। और मैकविन की वजह से रेडिएटर स्ट्रिंग भी काफी ज्यादा फेमस हो गया था, जिस वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग आने लगे थे। और ये एक हिस्ट्रिकल रेस होती है, जिसके बाद सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।